अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, और आज की वीडियो में नाश्ते से वीडियो का आगाज़। और यहाँ पे मैं जी नाश्ता बना रही हूँ और ब्रेड वगैरह यहाँ पर गर्म कर रही हूँ। तो क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे काम करने थे, क्योंकि मैं जा रही थी शेखुपुरा और मुझे यहाँ पे जो है कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे फिर मैं नाश्ता करने के बाद आ गई थी सेव मार्ट पे, और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ले रही थी जो जो कि मुझे साथ लेके जानी थी। और ये वाला जो लोशन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लोशन है, तो ये वाला मैं लोशन लेके जा रही थी एज अ गिफ्ट, क्योंकि मैं जा रही थी तो मेरा दिल यही था कि मैं खाली हाथ ना जाऊँ बल्कि मैं कुछ ना कुछ ले जाऊँ। तो यहाँ पर फिर मुझे अपने लिए कलर भी लेना था, तो वो वाला कलर सैमसोल। बस मैं डिफरेंट कलर जो है यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन ये वाला कलर मैंने यूज़ किया, चॉकलेट ब्राउन कलर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा शेड है। तो इसके अलावा यहाँ पे और चीज़ें वगैरह मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आई हुई थी और मैंने जो जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने कहा ले लो। तो यहाँ पे फिर आगे जब मैं गई तो मुझे जो है चिकन वगैरह भी लेना था। तो अब वो उस वाले हिस्से में मैं जा रही हूँ जहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट और चिकन वगैरह होता है। तो यहाँ से फिर आगे मैं जो है आगे जा रही हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी होती है, कभी महंगी होती है और कभी सस्ती होती है, कुछ तो समझ नहीं आती। और यहाँ पे जी मैंने आई थी चिकन लेने के लिए, चिकन का रेट यहाँ पे मैंने पूछा। तो उसके बाद मैंने इनको कहा कि मुझे जो है चिकन जो है वो कर दें। तो मैंने यहाँ पे जो है एक फुल चिकन लिया था और एक मैंने जो है बोनलेस लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने इनको कहा कि आप चिकन तैयार करें, तो इतनी देर में मैं बाकी शॉपिंग करके वापसी पर ये ले जाती हूँ। तो आगे मैं आई तो यहाँ पे एक्रेलिक के ग्लास वैसे भी तो यहाँ पे पड़े होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी वैरायटी आई हुई थी यहाँ पे ग्लास की, और डिफरेंट कलर्स में आए हुए थे। पहले वाइट कलर में थे, अब ग्रीन कलर में है, ब्लू कलर में है, इस तरह डिफरेंट जो है इस तरह की वैरायटी है। और प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है, पता नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बस मैं वैसे ही देख रही थी, क्योंकि जब मैं सेव मार्ट जाती हूँ तो फिर पूरा मार्ट ही घूम के आती हूँ, क्योंकि देखना होता है कि कोई न्यू चीज़ आई है या कोई चीज़ लेनी होती है, तो वो फिर साथ साथ हम लोग भी लेते रहते हैं। तो यहाँ पे ये ग्लास वगैरह मैं देख रही थी, इस तरह के ये देखें, ये इस तरह के डिज़ाइन में भी आया हुआ था, तो काफ़ी सारी वैरायटी थी। तो मैं ये भी सोच रही थी कि मैं जाते हुए बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाऊँ। तो फिर ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई थी वहाँ पर, मैंने कहा बस इतनी लंबी क्या वीडियो बनानी सेफ मार्ट की। तो ये वाली ग्रॉसरी मैंने की थी। तो यहाँ पे मैंने वहाँ से कप्स दो खरीदे थे अपने, वो जो छोटे बेबीज़ हैं दोनों के लिए, एक भाई के लिए और एक बहन के लिए लिया था। ये इसकी प्राइस 280 रुपीज़ ईच जो है कप था। तो मैंने कहा चले बच्चे हैं जूस वगैरह पीने के लिए, उनके लिए इस तरह की मतलब अच्छे मुझे लगे थे, कलरफुल्स भी थे, उनके ऊपर कुछ मतलब लिखा भी हुआ था और कार्टून वगैरह भी बने हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये डिफरेंट चीज़ें ली थी, जैसे कि ये पॉपकॉर्न थे, ये बिस्किट थे, ये मैं अपने लिए लेके जा रही थी साथ के। मेरी आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ, ये मैंने छोटे के लिए लिया था बबल्स के, मैं अपनी मेडिसिन वगैरह साथ लेके जाती हूँ। ये मैंने छोटी के लिए पोनीज़ वगैरह ली थी, मैंने कहा अब खाली हाथों ना जाऊँ अच्छा नहीं लगता। ये उन्हीं के लिए नूडल्स लिए थे, क्योंकि वो नूडल्स बहुत शौक से खाते हैं दोनों बहन भाई, छोटे हैं, एक मतलब 2.5 साल की और बच्चा 1 साल का। तो ये कुछ चीज़ें रास्ते के लिए ली थी, कुछ उनके लिए ली थी, कुछ उनकी माँ के लिए ली थी। तो इस तरह जो है चीज़ें लेके मैं आई थी, काफ़ी सारी चीज़ें कि मैं जाते हुए उनके लिए लेकर जाऊंगी। ये नूडल्स मैंने लिए थे, अच्छे दो दो मैंने लिए थे, मैंने कहा लड़ाई ना हो दोनों में, आगे भी छोटे हैं लेकिन फिर भी एक ही चीज़ के पीछे उनकी लड़ाई होती है। ये मैंने लिए थे लेस वगैरह लिए थे ये इनके लिए, क्या कहते हैं इनको, लॉलीपॉप्स लिए थे, वेवी लिए थे, ये तमाम चीज़ें मैंने उनके लिए ली थी बच्चों के लिए। और साथ ही ये मैंने अपनी मेडिसिन वगैरह तमाम ली थी। ये मेरा गला ख़राब था तो मैंने पल्मोनॉल ली थी, वहाँ पे साथ लेके गई थी। मैं किसी के घर भी जाऊँ तो अपनी तमाम मेडिसिन तमाम चीज़ें लेके जाती हूँ कि मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो किसी से, कि मुझे अब तकलीफ़ हो रही है, मुझे ये पता हो कि मुझे ये तकलीफ़ है। तो इस हिसाब से फिर ये मैं अपने लिए लेके जा रही थी, क्योंकि मेरी पेन वगैरह होती है, ये सुर्फी कोल ये चीज़ें वगैरह सारी लेके गई थी, पेनाडॉल लेके गई थी कि मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो
तो मुझे वहाँ पे मसला ना हो, मैं अपनी हर चीज़ जो है साथ लेकर जाऊँ। इसके अलावा ये बोला जो मैंने आपको बताया था क्रीम 21 के नाम से, ये जो है लोशन है, और ये फिर मैंने उसके लिए चिकन के जो पाउडर लिया था, और ये वाला मैंने कोकम्बर का, ये मैंने अपने लिए घर के लिए लिया था, और इसके अलावा ये जो सैमसोल हेयर कलर लिया था, तो इस तरह ये तमाम चीज़ें, ये चॉकलेट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ये छोटे का बात जो होता है अब मेरे जहन से निकल गया, तो वो था बच्चों का नहाने वाला जो होता है शैम्पू होते हैं क्या होता है, तो इस तरह ये तमाम चीज़ें मैंने ली थी। उसके बाद जी फिर मैंने अपना सूटकेस निकाला और उसमें मैंने फिर अपनी सारी चीज़ें डालनी शुरू की, और यहाँ पे मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरी तमाम चीज़ें पैक हो चुकी हैं, और यहाँ पे मैंने अपना सूटकेस तैयार कर लिया है। और उसके बाद ये बैग्स वगैरह मैंने निकाले थे, अब देख रही थी कौन सा, तो ये वाला एक छोटा लेके जा रही थी, और ये एक बड़ा वाला जो होता है हैंड बैग, क्या कहते हैं, बैग पैक लेके जा रही थी। बाकी वैसे ही थी ये जी मेरी सूटकेस, और मेरी तैयारी हो चुकी थी, तो फिर मैं सो गई थी। और ये जी उसके अगला दिन नेक्स्ट डे सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ पे जी भाभी मेरा नाश्ता बना के ले आई थी, और यहाँ पे जी मैं पराठा और चाय कर रही थी। भाभी कहती सफ़र में जाना है तो हैवी नाश्ता करके जाओ, तो उसके बाद जी हम लोग निकल पड़े थे घर से, और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जो होता है डायवो बस वगैरह का जो अड्डा होता है उस तरफ जा रहे थे। तो ये भी रास्ते में फिर सुबह सुबह का टाइम है, और बस जल्दी जल्दी में हम लोग जा रहे थे कि कहीं हमारी बस जो है वो निकल ना जाए। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, और वहाँ पे टिकट वगैरह लिया, और यहाँ पे हम जो है बस पे बैठ गए थे। अच्छा, हम लोग जी वो जल्दी पहुँचे थे क्योंकि हमें ये बताया गया था कि 8:15 बजे जो है बस चल पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग गए तो कोई भी नहीं था, और यहाँ पे हम लोग 8:30 बजे यहाँ से ये बस चली है, और उसके बाद यहाँ से बस जो है आगे 26 नंबर जो चुकी होती है टोटल पेट्रोल पंप जो होता है वहाँ पे ये बस 1.5 घंटा जो है खड़ी रही है, और वहाँ से लोगों ने बैठना शुरू किया है, और हम लोग बैठ बैठ के इतने मतलब थक चुके थे कि हमें पता होता कि अगर हम लोगों ने बस ने 10 बजे चलना है तो हम उसी टाइम से उठते उस टाइम से आते, फिर अल्लाह अल्लाह करके जो है बस चली। और यहाँ पे फिर जी साथ में जो चीज़ें कुछ खाने के लिए लेके गई थी वो लोग हम लोगों ने फिर खानी शुरू की थी। मुझे ज़्यादातर मीठा पसंद है तो मैंने अपने लिए ज़्यादातर मीठी चीज़ें रखी थी। अब ये जी रास्ते में मैंने कुछ जो है यहाँ पे क्लिप्स बना लिए थे, और यहाँ पे मतलब अच्छा लग रहा था चीज़, हरियाली, और जगह जगह जो है वो सरसों के खेत वगैरह आ रहे थे, और उसके बाद बीच में कलर का हार भी आया था, और इस तरह मतलब जो है मैंने क्लिप बनाई थी, और साथ सफ़र इस तरह काट गया कि सामने जो स्क्रीन टीवी लगा हुआ था वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी फ़नी सी वीडियो लगा दी थी, जिसकी वजह से टाइम बहुत अच्छा गुजर गया वीडियो देखते हुए, और बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया सफ़र करते हुए। तो इस तरह मतलब खाते पीते और बातें करते और मूवी देखते हुए हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर गया था, और यहाँ से जहाँ जो 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 जगह मुझे अच्छी लग रही थी वहाँ पे मैं साथ साथ जो है वीडियो क्लिप बनाती जा रही थी। तो यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए हैं जी शेखुपुरा, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, और यहाँ पे हम लोग जो है चिंगची पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे चिंगची ही चलते हैं, ना कोई रिक्शा चलता है ना कोई टैक्सी वगैरह मुझे मिली, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो यहाँ से हम लोग जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से फिर हम लोग जब घर पहुँच गए तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए मैं देख के, और यहाँ पे मैंने उनको जो बबल्स वगैरह लेके गई थी उनके खेलने के लिए, वो दोनों जो ये खेल रहे थे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दोनों बहन भाई हैं, तो इनके लिए मैं चीज़ें वगैरह गिफ्ट्स वगैरह लेके गई थी। तो इससे ये बहुत ज़्यादा छोटी वाली खुश हो रही थी कि पिंडी से जो है मामू आए हैं, मामानी आई हैं, नानू आई हैं, सारे आए हैं, तो हम लोग इस तरह वो बच्चे खुश हो रहे थे। तो बच्चों को देख के बहुत ही खुशी होती है, जब बच्चे खुश होते हैं उनकी छोटी छोटी खुशियाँ देख के बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद जी हम लोगों ने खाना खाया था और चाय वगैरह पी थी और थोड़ी रेस्ट की थी, और रेस्ट करने के बाद हम लोग जो है फिर शाम में हम लोग बाज़ार चले गए थे। वो बाज़ार की वीडियो में आ रही, नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।